महाशिवरात्रि का महापर्व सिर्फ नाचने गाने और उत्सव मनाने का पर्व नहीं है, इसके अर्थ और संदेश और अधिक गहरे, बहुत गहरे हैं। अत्यंत असाधारण थे वे लोग जिन्होंने शिव को समझा और उसे व्यक्त किया। भगवान शिव अध्यात्म के, जीवन के, ईश्वरत्व के अद्भुत प्रतीक थे, अत्यंत अनूठे थे। शिव शुभता के प्रतीक हैं। शिव का अर्थ होता है शुभ, लेकिन शुभ के विपरीत जो कुछ भी हो सकता है, जिसे अशिव या अशुभ कहा जा सकता है, वो भी उसमें निहित है। यहाँ तक कि हम उन्हें महाविनाश का देवता भी कहते हैं। जो शुभ है वो महाविनाश का प्रतीक कैसे हो सकता है? आप हैरान होंगे, भारत के बाहर सारी दुनिया में जहाँ भी शुभता की धारणा पैदा हुई, ठीक उसके विपरीत अशुभता की धारणा भी पैदा हुई। इसलिए भारत के बाहर जहाँ भी भगवान की धारणा पैदा हुई, वहीं पर दो तरह के भगवान साथ साथ पैदा हुए। एक को लोगों ने ईश्वर कहा और दूसरे को कहा शैतान, एक को कहा गॉड, दूसरे को कहा डेविल। लेकिन भगवान शिव अद्भुत है, इनमें दो विपरीत ध्रुवों का विलय है, दो विपरीतताएं इनके भीतर मिलकर एक हो जाती हैं। इसीलिए हमने भगवान शिव को अनंत का प्रतीक कहा है, वह असीम है। महाशिवरात्रि महोत्सव के पीछे एक ही संदेश है, मनुष्यता शिवत्व को उपलब्ध हो जाए। और उस शिवत्व को कैसे उपलब्ध हुआ जा सकता है, इसके लिए भगवान शिव ने ध्यान की 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से दी हैं। शिवत्व को उपलब्ध हो जाने का एक ही अर्थ है, उस अनंत के साथ, उस समस्त के साथ एक हो जाना। उस एकता को उपलब्ध करने के लिए ध्यान ही महा औषधि है। इसलिए हम जितना भी महोत्सव मनाते हैं, यदि हम अस्तित्व के साथ एक हो जाने की महा औषधि ध्यान का उपयोग नहीं करते हैं, ध्यान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो महाशिवरात्रि को मनाना वास्तव में अर्थहीन है, मात्र औपचारिकता है, मात्र पाखंड है। वास्तव में भगवान शिव के द्वारा दी गई 112 ध्यान की विधियों में से किसी भी एक विधि का अभ्यास करके आप भूतकाल और भविष्यकाल की यात्राओं से मुक्त होकर सीधे वर्तमान को उपलब्ध हो सकते हैं। और जब आप वर्तमान को उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप मन के जालों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आप वर्तमान में होते हैं, तो वास्तव में मन होता ही नहीं है। आप मन से मुक्त अवस्था में, अमन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और यही सारे अध्यात्म का सार है, यही सारे अध्यात्म का उद्देश्य है, यही सारे अध्यात्म का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान शिव के अलावा महावीर, बुद्ध, कृष्ण, पतंजलि जैसे संबुद्ध पुरुष भी आपको ध्यान की विधियां उपलब्ध कराते हैं। लेकिन भगवान शिव में और इन सारे लोगों में बहुत बड़ा अंतर है। इन सभी लोगों ने ध्यान की विधियों के साथ बौद्धिक धारणाएं, बौद्धिक विवेचनाएं भी उपलब्ध कराई, लेकिन भगवान शिव सीधे ध्यान की विधियों को उपलब्ध कराते हैं, ध्यान की टेक्निक उपलब्ध कराते हैं। वह किसी प्रकार की बौद्धिक धारणा में उलझते ही नहीं, वह किसी प्रकार की बौद्धिक विवेचना करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें मनुष्य के मन का अत्यंत महत्वपूर्ण राज पता है कि मनुष्य इन सारी विवेचनाओं और बौद्धिक धारणाओं में उलझकर स्वयं को, तकनीक को आत्मसात करने से वंचित कर सकता है। आप हैरान होंगे, सारी दुनिया में लोग बौद्धिक धारणाओं और बौद्धिक विवेचनाओं में उलझ जाते हैं, और जो धर्म का, अध्यात्म का प्राण है, उस साधना से स्वयं को वंचित कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, बुद्ध को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में इस पृथ्वी पर लोग आज मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो
बुद्ध की धारणाओं में, बुद्ध की विवेचनाओं में, बुद्ध के जीवन दर्शन में ही उलझ गए। वे स्वयं को बुद्ध का अनुयायी मानते हैं, स्वयं को बौद्ध मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध होकर भी ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध की महत्वपूर्ण तकनीक विपस्सना से वंचित हैं। वे बौद्ध हैं, स्वयं को बुद्ध का अनुयायी मानते हैं, लेकिन बुद्ध की विपस्सना उनके जीवन का अंग नहीं है। इसलिए भगवान शिव हर तरह की विवेचना, हर तरह की धारणाओं का बौद्धिक विश्लेषण करने से स्वयं को मुक्त रखते हैं और सीधे सीधे 112 तकनीक मनुष्यता को उपलब्ध कराते हैं, ताकि मनुष्य मन के जालों में उलझने से बच सके। वास्तव में भगवान शिव की 112 विधियां इस पृथ्वी पर सारी मनुष्यता के लिए समर्पित है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं हो सकता जिनके लिए 112 विधियों में से कोई ना कोई विधि उपयोगी ना हो। अगर इन 112 विधियों में से किसी एक विधि ने आपको आकर्षित नहीं किया, तो समझ लेना कि आपने किसी विधि को भली भांति अभ्यास करने और समझने की चेष्टा ही नहीं की। यह दुनिया की सबसे अनूठी घटना है कि भगवान शिव ने 112 ध्यान की जो विधियां मनुष्य जाति को उपलब्ध कराई, उनमें आज तक ना तो कुछ जोड़ा जा सका और ना कुछ घटाया जा सका। एक एक विधि अपने में पूरी तरह संपूर्ण है। कितना अद्भुत है यह सत्य कि ध्यान के विज्ञान को एक व्यक्ति ने पूरा पूरा संपूर्णता से इस प्रकार व्यक्त कर दिया कि वह आज तक हजार हजार साल बाद भी वैसे का वैसे ही अक्षुण है। वास्तव में भगवान शिव ध्यान के देवता हैं। ब्रह्मचारी न होकर के भी भगवान शिव ने ध्यान का जो अनमोल उपहार सारी मनुष्यता को दिया, इसका सीधा अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का ध्यान से कुछ भी लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद के अनुभव को उपलब्ध करने के लिए ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता नहीं है, यह भगवान शिव ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। भगवान शिव का पार्वती के प्रति अथाह प्रेम, अगाध प्रेम, अपार प्रेम इस सत्य का संदेश है कि प्रेम ध्यान के विपरीत नहीं। ध्यान का देवता ही गहन प्रेम में उतरने में सक्षम है। भगवान शिव ध्यान के देवता होकर भी गहन प्रेम में उतरते हैं, यह इस बात का संदेश है कि ध्यान और प्रेम यही दो पंख हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन में ऊंची उड़ान भर सकता है और सत्यम शिवम सुंदरम के अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा ध्यानी सबसे बड़ा प्रेमी भी है। इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी मित्रों को मेरे प्राणों का यही संदेश है, 24 घंटे में कम से कम एक घंटे ध्यान का अभ्यास करने का संकल्प लें और शेष 23 घंटे के जीवन में अपने चारों तरफ प्रेम को फैलाएं। अगर आप इतना कर सकते हैं तो परमात्मा सच्चिदानंद के रूप में आपके भीतर स्वयं प्रकट हो जाएगा। भगवान शिव का शिवत्व आपके भीतर स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।